हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग दोस्तों। मैं हूं महादेव और आप देख रहे हो महादेव झोल एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज मैं एक ब्लॉग लेके आपके लिए आया हूं। ये ब्लॉग काफ़ी खास और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मेरा है बर्थडे। जी हां दोस्तों, आज मेरा बर्थडे है। 41 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 42 ईयर्स में मैंने पदार्पण किया है आज। तो इस खुशी के मौके पे हमारे स्कूल में बहुत से इवेंट हो रहे हैं। तो क्या क्या इवेंट है, क्या क्या होने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं यूट्यूब के साथ साथ, जैसे मैंने यूट्यूब पे यादव की पाठशाला वेब सीरीज़ डायरेक्ट की है, उसमें काम भी किया है, साथ साथ मराठी में नवी ब वेब सीरीज़ भी की है। तो इसके साथ साथ अगर कुछ ऑडियंस को पता है और कुछ को पता नहीं, इसके वजह से मैं बता रहा हूँ। तो उसके साथ साथ डायरेक्शन और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के साथ साथ मैं पिछले 15 साल से एक स्कूल चलाता था जिसमें मैं खुद प्रेसिडेंट था, उसके बाद प्रिंसिपल था। मैंने खुद ने और हमारे बड़े भाई ने, हमने मिलके वो स्कूल फाउंड किया है, स्टार्ट किया है 2008 में। तो तभी से अब लास्ट 2 साल तक मैं ये स्कूल चला रहा था। उस स्कूल में मेरा आज जन्मदिन की तैयारी है, यहाँ पर वो काफ़ी धूमधाम से मनाने वाले हैं। तो क्या तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं, ये सब कुछ मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। लेकिन गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे महादेव झोल एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए। और हाँ, अगर इसी चैनल पर आई हुई यादों की पाठशाला हमारी हिंदी वेब सीरीज़ आपने नहीं देखी होगी तो वो भी आप ज़रूर देखिए, वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगेगी। जिसमें ये हमारा जो है मंजीत सैनी, ये हीरो आपको दिखाई देगा, नज़र आएगा। तो आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल इंटरेस्टिंग इसी वजह से होने वाला है, तो पाठशाला भी देखिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार की तैयारी हमारी स्कूल में चल रही है। चलो तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें बन रही हैं, आप देख रहे हो। वड़ा पाव बन रहा है यहाँ पे, वड़ा पाव की तैयारियाँ चल रही हैं स्कूल की, कॉलेज की लड़कियाँ। और यहाँ पे भी क्या चल रहा है, यहाँ पे वड़ा पाव तले जाएंगे, है ना, गर्मा गर्म वड़ा पाव तले जाएंगे। स्कूल के छात्र, ये स्टूडेंट्स ही ये सब कुछ करने वाले हैं। तो विठल मुझे बताओ कि कितने वड़ा पाव बनने वाले हैं? वड़ा पाव बनेंगे 400 या 500। और क्या क्या है खाने में बच्चों को? लड्डू बनाए। लड्डू कैसे लड्डू है? लड्डू मीठे, लड्डू अच्छे मीठे मोतीचूर के लड्डू हैं, मोतीचूर के बने। अच्छा, उसके साथ साथ और क्या है? भेल मिलेंगी। भेल मिलेंगी, तो बहुत सारा खाने को है बच्चों को, सब कुछ मिलेगा। गुड गुड गुड। यहाँ पे स्कूल के टीचर्स लोगों की भी धाम धूम आप देख रहे होंगे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भाग रहे हैं। कैसी तैयारी चल रही है बर्थडे की? बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। अच्छा, लेकिन हम बताने वाले नहीं है क्योंकि आपके लिए वो सरप्राइज है। अच्छा, कुछ चीजों का सरप्राइज भी हर साल रहता है? हर साल रहता है। अच्छा, उसी हिसाब से इसी भी साल एक सरप्राइज है, वो आपको पता चलेगा, लेकिन अभी नहीं। अच्छा ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बने हुए हैं ये मोतीचूर के लड्डू, और बन रहे हैं मोतीचूर के लड्डू। ये देखो, इतना बड़ा बैनर लगाया है हमने सर जी का। तो क्या लिखा है, मराठी में बैनर लगवाया हमने, 17 जनवरी, अब स्टूडेंट 16, महादेव झोल सर। तो कैसा दिख रहा है, पगड़ी बगड़ी पहनी है, कुर्ता बिता। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा बैनर लगा है अपने अवधूत का, उसका MBBS के लिए सिलेक्शन हो गया है, उसका बैनर लगाया हमने स्कूल में। देखो कैसे रापची एक बैनर है, बड़े बड़े 9x4, और ये दो बैनर लगाए, एक थोड़ा लंबा है और ये स्क्वायर टाइप में लगाया है, और ये दोनों स्कूल के ही सामने लगाया है हमने। यहाँ पे हमारे स्कूल के टीचरों का फोटो सेशन चल रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे अपना हर्षद उनके फोटो निकाल रहा है। अच्छी से स्माइल करो सर, अच्छी से स्माइल करो सर, सर सर अच्छी से स्माइल करो और पोजीशन अच्छी से दे दो। सर सिर्फ देखते रहते हैं कैमरा में। अच्छा, यस यस।
तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा जो स्कूल है, जो 2008 में मैंने स्टार्ट किया था, वो ये स्कूल है। आप देख सकते हो मेरे पीछे कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, जिसको मैंने 2008 में स्टार्ट किया था। फाउंडेशन उसका मैंने किया था और एक एक बच्चा लेकर आकर उसको पढ़ाया था, जिसमें से अपना कैमरामैन भी वहाँ से तैयार हुआ है। उसके बाद अपना जो विक्रम है, आपके वेब सीरीज़ में दिखता यादव की पाठशाला में, वो विक्रम फर्स्ट स्टैंडर्ड से मेरा स्टूडेंट है, जो 12th पास आउट हो गया है और उसके बाद अभी वो FY BSc कर रहा है। तो ये मेरा स्कूल। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे एक सेकेंडरी स्कूल भी है, जिसमें जूनियर कॉलेज और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे बैठते, सामने वाले में भी बैठते हैं। और पूरा ये जो ओपन स्पेस दिख रहा है वो प्रीमाइसेस है हमारे स्कूल का। और यहाँ पे आप देख रहे हो एक अच्छा सा स्टेज बनाया हुआ है आज के इवेंट के लिए। तो आज मेरे बर्थडे के अवसर पे यहाँ पे सिर्फ बर्थडे नहीं मनाया जाएगा, इसके साथ साथ मनाया जाएगा ग्रैंड पेरेंट्स डे। जी हाँ, हमारे स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा, बच्चों को संस्कार दिए जाएंगे कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स का हमें ख्याल रखना चाहिए, उनके प्रति आदर भाव हमारे मन में होना चाहिए। ऐसे बहुत से संस्कार उनको दिए जाएंगे। और ग्रैंड पेरेंट्स डे के साथ साथ एक छोटा सा साइंस एग्जीबिशन भी बर्थडे के अवसर पे यहाँ पे रखा हुआ है। ये दो इवेंट होंगे और तीसरा इवेंट रहेगा मेरे फिर बर्थडे का सेलिब्रेशन, जहाँ पे बहुत से बच्चों ने कुछ कुछ गिफ्ट्स लेके आए हुए हैं, बहुत सी प्रिपरेशन तैयारी की है। चलो मैं स्टेज कैसे सजाया हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सजावट की चुकी है, जैसे हम यहाँ से ऊपर जाते हैं स्टेज से, यहाँ पे भी सजावट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लगाया हुआ है वेलकम टू अभिनव साइंस एग्जीबिशन। जी हाँ, साइंस एग्जीबिशन के लिए भी यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो साइंस एग्जीबिशन के लिए कुछ उपकरण यहाँ पे की हैं। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज राजे, इनकी यहाँ पे प्रतिमा रखी हुई है। पूरा यहाँ पे स्टेज सजाया हुआ है और आप देख रहे हो यहाँ पे एक अच्छा सा मेरे नाम का बैनर भी है, माननीय प्राध्यापक श्री महादेव घोषर अभिष्ट चंद। ये सब कुछ किया है इन्होंने। हाय सर। हाय हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सब तैयारी हो चुकी है? हाँ, तैयारी हो चुकी है। अभी सिर्फ 10 मिनट के बाद हम कार्यक्रम अपना शुरू करने वाले हैं। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। 10 मिनट में इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी पूरी तैयारी की जा चुकी है और यहाँ पे समय यानी कि दीप प्रज्वलन के लिए भी दीप रखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा है हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे। जो ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे उनका स्वागत यहाँ पे किया जाएगा। ये अच्छी तरीके से बोर्ड सजाया हुआ है।